अभी भोले बाबा का विवाह हुआ, उसके बाद महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना के आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे, उसके बाद आरती होगी। और आज के शुभ अवसर पर श्री बालाजी ने आज के भंडारे का प्रसाद दिया है, और जो सीमेंट के थैले आए थे वो इस मंदिर के निर्माण के लिए लगेंगे, और कुछ गेहूं आई है वो महाराज जी के आश्रम में ये प्रसाद बनता है वहां पर लगेगा। जिस भगत जन ने गेहूं लिखवानी हो या सीमेंट लिखवाना हो, वो बाहर हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, उनको लिखवा देंगे, या मुझे भी अभी लिखवा सकते हैं ताकि मैं उनका नाम अनाउंस कर सकूं। जय श्री राम। अम्बा पार्वती को विवाह के बाद ब्राह्मण पत्नी का उपदेश है, कल आपको सुनाया जाएगा। कल दोपहर की कथा में गणेश भगवान प्रकट होंगे, कल रात्रि में उनका विवाह संपन्न होगा। कल का महत्वपूर्ण कल एकादशी भी है, वैशाख मास है और एक पूर्ण पर्व तिथियाँ आपके सामने हैं, इसलिए कथा सुन के आप लाभ उठाएं। भगवान ने शक्ति शरद धारी हो कि मंदिर के लिए आश्रम के लिए जो भी आप दान लेना चाहें, ऐसे पर्वों में भूले नहीं, कुछ ना कुछ अपने हाथों से दीजिए। आप कथा सुन रहे हैं इसका मतलब है कि आप गंगा स्नान कर रहे हैं, सारे तीर्थ वहाँ आ जाते हैं जहाँ भगवान की कथा होती है। भगवान शंकर के तमाशे से गंगा गिरती है, इसलिए जल भी गिरा है कल में परसों में, तो गंगा ही आई और आप सोचा लगा के भगवागी हो रहे हैं। तो आरती होगी, प्रसाद लेंगे आपको, और कल फिर उसके बाद में दूसरे प्रसंग है। पार्वती मंडल की आपको बहुत बहुत बधाई।